सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोबरा लैब्स के द बुल मास गेनर का रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ। गाइस, कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कोबरा लैब्स के द बुल मास गेनर को कुछ महीनों के लिए ट्राई करने वाला हूँ और उस ट्रायल के दौरान मैं कौन कौन सी चीजें चेक करने वाला हूँ ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। और उसी वीडियो में मैंने इन कपड़ों को पहन के ये कहा था कि बुल मास गेनर के इस एक महीने के ट्रायल के बाद मैं इन कपड़ों को फिर से पहन के दिखाऊंगा और हम चेक करेंगे कि बॉडी में और कपड़ों की फिटिंग में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। गाइस, पैंट मैंने पहन ली है और आप देख सकते हो कि पैंट यहाँ पर टाइट हो रही है, थाइज मसल्स पैंट के फैब्रिक को टच कर रही है और आप दूर से ही थाइज के शेप को पैंट में देख पा रहे हो। गाइस, पीछे से भी पैंट परफेक्टली फिट हो रही है, ग्लूट्स मसल्स भी थोड़े से ऊपर आ चुके हैं और मैं अपने ग्लूट्स मसल्स को पैंट के साथ टच होता हुआ महसूस कर पा रहा हूँ, वरना यही पैंट कुछ महीनों पहले मुझे लूज होती थी। गाइज, अब बात करते हैं अपर बॉडी के बारे में। गाइज, कुछ महीनों पहले ये शर्ट भी मुझे लूज होती थी पर अब ये शर्ट मुझे टाइट हो रही है और इसे पहनने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, शर्ट के दोनों शॉर्ट स्लीव दोनों हाथों में टाइट हो रहे हैं और बटन्स को भी मैं हार्डली लगा पा रहा हूँ। कपड़े अच्छे खासे टाइट हो रहे हैं इस डेढ़ से दो महीनों के पीरियड में और आज डेढ़ से दो महीनों के बाद इन कपड़ों को फिर से पहनकर सरप्राइजिंगली इन कपड़ों को मुझे टाइट होता हुआ देखकर और बुल मास गेनर को मेरे बॉडी के ऊपर काम करता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, शर्ट चेस्ट में भी टाइट हो रही है, शर्ट स्लीव्स में भी टाइट हो रही है। अगर आपने 1 month ट्रायल वाली वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये शर्ट मुझे स्लीव्स में लूज हो रही थी पर अब ये शर्ट मुझे स्लीव्स में टाइट हो रही है। शर्ट मुझे कमर के एरिया में भी टाइट हो रही है और सबसे लास्ट वाली बटन तो मैं हार्डली लगा पा रहा हूँ। गाइस, उस 1 month ट्रायल वाली वीडियो में जब मैंने इन कपड़ों को पहन के दिखाया था तब मैंने आपसे कहा था कि आप सारी चीजों को और कपड़ों की फिटिंग को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए ताकि जब हम रिजल्ट वाले दिन इन कपड़ों को पहने तो आपको खुद को ही सारी चीजों को चेक करना है और ऑब्जर्व करना है कि सच में बॉडी में और कपड़ों की फिटिंग में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। सो गाइस, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पैंट मुझे परफेक्टली फिट हो रही है, जो पैंट मुझे कुछ महीनों पहले लूज होती थी वो अब मुझे परफेक्टली फिट हो रही है, पर शर्ट मुझे टाइट हो रही है, शर्ट मुझे स्लीव्स में टाइट हो रही है, चेस्ट के एरिया में टाइट हो रही है और पेट के एरिया में भी टाइट हो रही है और ऊपर के बटन को भी मैं हार्डली लगा पा रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ तक मैंने आपको कपड़ों की फिटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोबरा लैब्स के द बुल मास गेनर को एक महीने तक लेने के बाद मेरे वेट में मतलब वजन में क्या चेंजेस आए हैं। गाइस, बुल मास गेनर को यूज करने से पहले मेरा वेट था 50 किलोग्राम और बुल मास गेनर को 30 डेज तक कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद मेरा वेट हुआ 53 किलोग्राम। मतलब बुल मास गेनर को एक महीना कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद मेरा वेट 3 किलो से बढ़ गया था। और मैं आपको बता दूं गाइस कि इस एक महीने में मैंने बहुत ही सादा खाना खाया, जिस तरह से एक एवरेज इंडियन फैमिली खाना खाती है उसी तरह से मैंने सब्जी रोटी दाल चावल बस इतना ही खाना खाया। इसी के साथ महीने में एक या दो बार नॉन वेज और महीने में एक या दो बार अंडे हो जाते थे, पर इसके अलावा मैंने बहुत ज्यादा मक्खन मलाई या पनीर का कंजम्पशन नहीं किया। सो गाइस, सिर्फ सादा खाना खाने से और महीने में एक या दो बार नॉन वेज खाने से अगर मेरा वेट 3 किलो बढ़ सकता है तो एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करने से आपका वेट महीने में 5 से 6 किलो तक आराम से बढ़ सकता है। और गाइस, इसी के साथ अगर आप एक अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि इस बुल मास गेनर का पिंपल्स और हेयर फॉल के ऊपर कोई भी निगेटिव इफेक्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। इस बुल मास गेनर को लेने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं तो आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए, मास गेनर को अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए और बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। गाइस, इस बुल मास गेनर का चॉकलेट फ्लेवर बहुत ही अच्छा और टेस्टी है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये मास गेनर आपको बहुत ज्यादा स्वीट लगता है तो आप इसे दूध के साथ ले सकते हो, दूध का फ्लेवर ऐड हो जाएगा तो स्वीटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। मास गेनर की मिक्सेबिलिटी से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है तो उस शॉर्ट वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। बात करते हैं गाइस बेली फैट के बारे में, तो अगर आप इस मास गेनर को लेके बैठे रहते हो और ये सोचते हो कि बॉडी अपने आप बन जाएगी तो हो सकता है कि आपका बेली फैट बढ़ जाएगा और आपका पेट भी बढ़ जाएगा, पर अगर आप इस मास गेनर को पी के अच्छे से वर्कआउट करते हो तो आपका वेट भी गेन हो जाएगा, मसल मास भी गेन हो जाएगा और आपको अच्छी पंपिंग भी देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कोबरा लैब्स के बुल मास गेनर के रिजल्ट के बारे में। आशा करता हूँ गाइस कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और गाइस, अगर आप इस बुल मास गेनर को परचेस करना चाहते हैं तो परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।